वी हैव चॉकड आउट दैट हर एक आपके पास जो होमोनेड जो आप डिस्कस uh, कर रहे हो उसके अंदर ये तीन इम्पॉर्टेंट जो है वो कम्पोनेंट्स होने चाहिए द फर्स्ट कम्पोनेंट इट इज़ द फिजिकल फीचर्स ठीक है पहला जो है वो कम्पोनेंट जो है इट इज़ अबाउट द फिजिकल फीचर्स अबाउट द फिजिकलिटी ऑफ दैट होमोनेड देंड इट इज अबाउट द फाइलोजनी क्या आपको जो है वो फाइलोजनी को जो है डिस्कस करना होगा एंड द थर्ड थिंग इट इज़ अबाउट द कल्चर दैट हाउ द कल्चर हैज़ डेवलप्ड और इसके बाद जो है वो आप आपसे जो है वो सवाल थ्यूरी से पूछे जाते हैं ठीक है थ्यूरी से पूछे जाएंगे बायपिटलिज्म की थ्योरी से पूछ लिया जाएगा या फिर ह्यूमन डिस्पर्सल और ह्यूमन औरिजन की थ्योरी से जो है वो पूछ लिया जाएगा सवाल तो जनरली जो है वो तीन तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे लाइक वाइज वी हैव टू सी थ्रू ठीक है अब वी हैव अराइव टिल होमो हैबिलिस हमने जो है वो एस्टेलोपेथिकन्स का जो पूरा का पूरा फाइलोजेनी है उनका जो कल्चर है उनके जो फिज़िकल फीचर्स है दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है वो कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो हम कर चुके हैं अब हम आते हैं होमो हैबिलिस के ऊपर ठीक है होमो हैबिलिस वी आर गोइंग टू सी इन दी नेक्स्ट वीडियोज़ कुछ आने वाली वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम, हम होमो हैबिलिस को जो है वो देखेंगे

रिसोर्स सेक्शन में आपको जो है वो इसकी सारी की सारी जो पीडीएफ फाइल्स हैं जो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आएंगी आने वाली हैं वो सारी की सारी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो सारा का सारा जो रिसोर्स है सारा का सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा सो दिस इज़ एंथ्रोपोलॉजी डे ट्वेंटी एंड दिस इज इमरजेंस ऑफ मैन सो वी आर डूइंग होमो हैबलिस होमो हैबलिस फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दोग्रफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होमो हैबलिस जो है वो मिलता है सो so, जो आपके पास बहुत सारे होमो हैबिलिस इट हैज़ लिव्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो अबाउट टू टू वन पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो इट हैज़ लिव्ड ठीक है सिर्फ आपके पास जो है वो कुछ साल ही जो है वो होमो हैबिलिस जो है वो ज़िंदा रहा है बहुत कम टाइम जो है वो होमो हैबिलिस को मिला है इट इज़ अबाउट जीरो पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो सिर्फ हैबिलिस के पास इतना ही टाइम था और जितना उसके पास कम टाइम था उतना ही कम जो है वो उसका रेंज रहा है जो होमोनिन रेंज है उसका उतना ही कम है होमोनिन रेंज का मतलब है कि कहाँ पे वो पाया जाता है तो आपके पास उसका जो जोग्रफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है द फर्स्ट फॉसिल ऑफ द होमोहेबलिस इट वॉज डिस्कवर्ड इन दी ओल्ड बाई जॉर्ज तानजेनिया के अंदर जो है वो पहला फॉसिल जो है वो मिला है और जो पहले फॉसिल की जो डिस्कवरी थी इट वॉज़ डन बाई लुइस ली की ठीक है लुइस लिकी ने जो है वो डिस्कवरी की थी 1960 के अंदर ठीक है और खासियत जो इसकी ये थी कि इसका जो करेनियम था द करियम वॉल्ट इट वॉज राउंड जैसे आपका है ठीक है सो so, आपके पास जो था कुछ फीचर्स इसके जो थे इट वॉज इट वर लाइक होम इट व लाइक आस्टेलोपेथिकस कुछ फीचर्स जो थे वो आपके पास बिल्कुल होमोसीपियस जैसे फीचर्स थे जैसे ब्रेन केस का राउंड हो जाना जैसे आपके पास अस्टेलोपैथिकस की छोटी सी सेजिटल लिटल बहुत छोटी सी यहाँ पे जो है अस्टेलोपैथिकस जैसे सेजिटल क्रेस्ट का होना ठीक है तो ये लुइस लीकी ने ये हाइपोथाइज किया कि जो होमोहैबलिस है द होमोहैबलिस वॉज द लिंक दैट वी वर फाइंडिंग और वी वर ट्राइंग टू फाइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि हम बहुत लंबे समय से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ हमें मिल गई है क्योंकि कुछ फीचर्स अस्टेलोपैथिकस जैसे होने कुछ फीचर्स होमोनाइट जैसे होने यानी कि आपके पास होमोसेपियंस जैसे होने इसका मतलब क्या है दैट यू हैव फाउंड आउट द क्रिटिकल लिंक दैट वाज लिंकिंग बोथ ऑफ द स्पीसीज ठीक है अब आपके पास क्या है दैट सो so, बहुत सारे फॉसिल्स जो है वो मिले आपको ओल्डवाई जॉर से फॉसिल मिला आपको ओमो वैली से इथोपिया से फॉसिल मिले आपको कुबीफोरा से यानी कि केनिया से जो है वो फ़ॉसिल मिले हैं ईस्टर्न तुर्काना से जो है वो आपको फ़ॉसिल मिले हैं ठीक है और आपके पास जो है सबसे जो फेमस फ़ॉसिल है इट इज़ इट इज़ फाउंड फ्रॉम क्यूबीफोरा दैट इज़ नोन एज ई आर सेवेंटी ठीक है के एन एम के एन एम ई आर ई आर फोर्टीन सेवेंटी ठीक है फोर्टीन सेवनटी नंबर को याद रखना के एन एम ये कोबीफोरा से मिला है ठीक है सो नाइनटीन सेवनटी टू लुई लीकी फैमिली ने जो है वो इसको स्टडी किया है इसको जो है वो फाइंड आउट किया है सो वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स इसके करेक्ट्रिस्टिक्स क्या है सो करेनियल कैपेसिटी इट वॉज लार्जर दैन दस्टेलोपैथिकस अस्टेलोपैथिकस से बड़ी थी ठीक है जो इसकी एंडोका स्टडीज हैं दे इंडिकेट दैट द फ्रंटल लोब इट वॉज वेल डेवलप्ड ठीक है क्योंकि फ्रंटल लोब इट वॉज वेल डेवलप्ड इसका मतलब क्या है इसकी हायर मेंटल एबिलिटीज थी दैट इट वॉज एबल टू थिंक इट वॉज एबल टू थिंक लाइक होमोसेपियंस हमारे जैसे ये सोच सकता था ये जो है वो आर्गू कर सकता था ये अपनी रैशनैलिटी का यूज कर सकता था द ब्रेन केस इट वॉज राउंडेड एज वी हैव द टॉप ऑफ द स्कल स्कल के ऊपर जो है वो आपके पास राउंडेड थी विद लिटिल क्रेस्ट जैसे अस्ट्रेलोपेथिक की होती थी ठीक है तो आपके पास इवन जब हमने जो ई आर फोर्टीन है उसका जब मोलर एनालिसिस किया गया मोलर एनालिसिस में आपके पास होमोसेपियंस और Uh, जो एस्टेलोक uh, जो सॉरी होबो हैबिलिस है उन दोनों के अंदर जो है वो बहुत सारी आपको जो है वो सिमिलैरिटीज़ मिली सो द टीथ इन जनरल दे शो दैट देर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एफिनिटी बिल्कुल होमोसेपियस जैसी जो है वो चीज़ें उनके अंदर मिली सो so जो प्री मोलर्स हैं दे हैव टू रिज़ेस उनकी जो है वो दो रिजेस थी उनकी जो डेंटल आर्केड है वो ज़्यादा पैराबोलिक थी जैसे आपकी है ठीक है तो पहले जो थी वो डेंटल आर्किड इस तरह की सी थी जि, जिसकी वजह से प्रोग्नेथिज्म जो है वो बन रहा था कि जो फेशियल एंगल था इट वाज बिटवीन 45 फाइव डिग्रीज टू 90 डिग्री समवेयर हेयर तो बीच में वेरी करता था 90 तक पहुंचा नहीं था प्रोग्नेथिज्म इट वाज मोर प्रूडेड इट वाज मोर प्रोफाउंड डेंटल आर्किड अब जो है वो डेंटल आर्किड इट वॉज पैराबोलिक वो पैराबोलिक होनी शुरू हो गई ठीक है समथिंग नॉट शार्प एजिस थोड़े थोड़े राउंडेड एडिज जैसे आपके पैराबोलिक होती है मैंडेबल जो था इट वॉज लेसर मैसि छोटा होना स्टार्ट हो गया अस्टेलोपैथिकल से छोटा हो गया मैंडेबल मैंडेबल जो था जॉ बोन्स जो हैं वो छोटी होनी स्टार्ट हो गई एंड अलोंग विद दिस इन ओल्ड बाय जॉर्ज देयर वर द एविडेंसेस ऑफ द टूल्स जो बेसिक आपके पास जो टूल्स हैं जो पेबल टूल्स हैं जो स्टोन टूल्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए द कंपाउंड टूल्स वर नॉट देयर कंपाउंड टूल्स नहीं थे बट जनरल टूल्स वर देयर सो देर आर द टूल मेकरज इन द ओल्ड वाई जॉर्ज ईस्टर्न टकाना के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जो है वो आपको टूल्स मिले हैं बट 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 द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टूल्स इज नॉट देयर टूल्स की यूनिफॉर्मिटी बहुत कम है तो हम ये नहीं कह सकते दैट द मटीरियल कल्चर इट वॉज वेल डेवलपड मटीरियल कल्चर का डेवलपमेंट जो है वो एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो है इट स्टार्टेड विद होमो एरेक्टस वो होमो एरेक्टस से स्टार्ट होता है बिकॉज देयर यू हैव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टूल्स आपको टूल्स की यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है बट हेयर यू डू नॉट हैव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टूल्स टूल्स हैं सो वी हैव हाइपोथाइज्ड दैट ओके दिस

कुछ मैंने जो है वो कुछ फील्ड वर्क किया तो मैं अपना एक पर्चा लिख दूंगा मैं पेपर वर्क पेपर जो है वो उसका लिख दूंगा एक सो आई कैन कॉम्युनिकेट विद यू वो कॉम्युनिकेशन जो था वो उनके पास नहीं था कॉम्युनिकेशन स्किल्स देवर लेस सो दिस इज दीज आर द फिजिकल फीचर्स ये आपके पास फिजिकल फीचर्स हैं द होल करेरियम इट वॉज नॉट प्रेजेंट ठीक है वो जो है वो मिला नहीं है पूरा का पूरा करेनियम मिला नहीं है तो उसके हिसाब से इतने फिजिकल फीचर जो है वो हमारे पास हैं अब बात आती है इस करेनियम से ही हम ड्राइव करते हैं दैट वट वर देयर कल्चरल अचीवमेंट्स उनके कल्चरल अचीवमेंट्स क्या थे सो दे यूज चॉपर चॉपिंग टूल्स ठीक है चॉपर चॉपिंग टूल्स को उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया यानी कि बड़े पेबल्स को लेते थे हिट करते थे और आपके पास जो था ये पेबल टूट जाता था इसका एक पॉइंटी एज बन जाता था पेबल का एंड विद दी हेल्प ऑफ दैट पेबल दे यूज दे यूज दिस पेबल फॉर डिगिंग फॉर हंटिंग एंड प्रोबेबली दे वर यूजिंग दे वर डूइंग दी स्मॉल गेम हंटिंग स्मॉल गेम हंटिंग जो है वो कर रहे थे सो होमो होमोहैबलिस उन्होंने बहुत क्रूड शेल्टर्स जो थे वो ओल्ड वाई जॉर्ज के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्ट किए थे उनका एक फॉसलाइज फुटप्रिंट भी मिला है और उस फॉसलाइज फुटप्रिंट में हम ये देख सकते हैं दैट दे हैड अपराइट पोर्शन उनका जो पोस्चर है वो अपराइट हो चुका था यानी कि देवर बाइपेडल्स, वो बाइपेडल हो चुके थे बिकॉज जो फुट का जो फॉसल मिला है वो आर्क है उसमें जैसे आपके पास आर्क है सो द होमोहेबलिस यूज द फ्लेक्स इसके फ्लेक्स जो थे उसको मीट कट करने के लिए यूज़ करते थे और जो है वो आपके पास मीट की शेयरिंग भी थी यानी कि एक सिंपल एक प्रोटो सोसाइटी जो है प्रोटो सोसाइटी जो है वो आपके पास बन चुकी थी इट वॉज हाइपोथाइज्ड बाय एल बी एस लिकी लुइस लिकी ने जो है वो इसको हाइपोथाइज किया है दैट होमोहैबल जो है उनकी एक फैमिली लाइफ थी उनके मोड ऑफ हंटिंग गैदरिंग में जो है वो एक आपके पास जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क जो है और डिवीजन ऑफ वर्क या फिर डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो हुआ करता था द होमोहेबलिस प्रोडक्शन हो सकता है सो so बेसिक आपके पास जो बेसिक है बेसिक साइन लैंग्वेज इसका जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होमोहेबलिस में आपको देखने को मिलता है ऑल्सो दे प्रोजेस दर्नकीज एरिया वर्नकीज एरिया दिस दिस हेल्प्स अस टू कंप्रीहेंड दाइन लैंग्वेज और द कंप्रीहेंड दाइंस दैट अदर हैज़ गिवन एस जो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ नाओ इसका मतलब है आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ औरल सिम्बल्स अब आपने उन औरल सिम्बल्स को अपने दिमाग के अंदर डिसाइफर करना है उनको इंटरप्रिट करना है फिर उसका आप मतलब निकालोगे ठीक है फिर उसका जो है वो आप उसका कंप्रीहेंशन उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो करोगे सो so, मेरा बोलना मेरे बोलने के अंदर भी एक थॉट प्रोसेस है दैट थॉट प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन द ब्रोकाज एरिया ठीक है इन द ब्रोकाज एरिया इज वेरी मच अंडर डेवलप्ड इसका मतलब है यू आर नॉट एबल टू प्रोसेस दोज थिंग्स प्रॉपरली आप उन चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाते और उसी के साथ here the broca area it is developed and the wernicke's area is also developed it means that they are able to process the symbols they are able to process the symbols the oral or non oral आपके पास जो आपके पास वर्बल सिंबल्स हैं और नॉन वर्बल सिंबल्स हैं ये दोनों को ही जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं उनको यूज कर सकते हैं उनको कॉम्प्रिहेंड भी कर सकते हैं सो देयर वाज थ्योरी ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यूर इमोशंस अगर आप रो रहे हो आपके आंख से आंसू निकल रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आंख से पानी बह रहा है आप आँखें धोआइए मैं ये कहूँगा कि बेटा रो क्यों रहे हो क्या उदासी क्या है आप, आपके दिमाग में ठीक है क्या चल रहा है आपके दिमाग में आई एम एबल टू अंडरस्टैंड यूर इमोशंस नाओ दीज आर सिंपल्स आपकी आंखों से पानी बह रहा है आंसू निकल रहे हैं वो तो सिंबल है एक आई हैव टू कंप्रीहेंड इट जब मैं उन सिंबल्स को कम्प्रीहेंड करूंगा देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू सो दे वर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर क्योंकि ब्रोकाज एरिया और वर्नकीज एरिया जो था इट वॉज वेल डेवलप्ड नाउ विल कम टू वर्ड्स फाइलोजैनी फाइलोजेनी की तरफ आते हैं सो सेज दैट वन वर्जन इज दिस एक वर्जन जो है वो आगे चल के करेंगे कि आपके पास जो है वो एफ्रीकन एफरेन्स थे एफरेज इट उसका डाइवर्जन हुआ एक आपके पास जो है एफ्रीकनस बन गया और दूसरा जो है वो आपके पास हैबिल्स की तरफ जो है वो बढ़ गया और हैबिलस जो है वो आगे चल के जो है वह होमो बना ठीक है वन वर्जन इज़ दिस एक वर्जन जो है वो आपके पास ये है दैट दी आपके पास एफरेन्स हैं

इरेक्टस इरेक्टस एवॉल्व इन टू होमोस ठीक है लेटर होमोस और जो भी आपके पास नंद्र थाल वगैरह उसके अंदर हो गया ठीक है सो वन वर्जन इट इज दिस सेकेंड वर्जन जो है वो आपके पास इसी चीज को कहता है कि आपके पास जो है यू हैव एफरेज एफरेस इट डेवलप्ड इन टू गर् ये जो है वो ही के अंदर बन गया एफ्रेंसिस से जी ही जो है यहीं पे आपके पास जो है वो एफ्रीकनस जो है जैसे यहाँ पे बना है अफ्रीकनस जो है वो डेवलप हुआ ही इट डेवलप्ड इनटू रोडोल्फेंसिस रोडोल्फेंसिस गॉट एक्सटेंट हेयर हैबिलिस हैबिलिस के बाद जो है वो आपके पास जो है वो एर्गेस्टर बनता है एक और बनता है एर्गेस्टर ई आर जी ई एस टी आर एर्गेस्टर बनता है एरगस्टर के बाद जो है वो एक आपके पास लेट होमोस के पास जो लाइन है वो चली जाती है और एक जो है वो आपके पास इरेक्टस और इरेक्टस के बाद जो है वो एक्सटेंट हो जाती है या फिर नंद्रथाल में चली जाती है नंद्र बन के वो एक्सटेंट हो गई वन इज दिस ये दो है आपके पास दोनों में एक चीज कॉमन है दैट द हैबिलिस इट हैज डेवलप्ड फ्राम गरही होमो हैबिलिस का जो डेवलपमेंट है वो एस्टेलोपेथिकस गरही के साथ जो है वो हुआ है पहली बात इसका जो डेवलपमेंट है वो पता चल गया आपको दूसरी बात इसका कंपटीशन पता चल गया आपको कंपटीशन किसके साथ है इसका इसका कंपटीशन है रूडोल के साथ रूडोल के साथ इसका कंपटीशन है डेवलपमेंट जो है इट इज़ विद गरही वो जो है वो गर् के साथ है ये दो चीज़ें जो है वो आपको पता चल गई ठीक है जी दिस इज़ द फर्स्ट वन दिस इज़ सेकेंड वन जो मैंने अभी जो है वो बनाया है ये दो फाइलोजेनिक पोजीशन जो है वो आपके पास एस्टेलोपैथिक सॉरी होमोहेबिलिस की जो है वो आपकी पोजीशन बताते हैं